नमस्कार दोस्तों, विहांस इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम अपने इस YouTube चैनल पर एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि MPPSC की मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र 6 के हिंदी निबंध और प्रारूप लेखन पर आधारित होगी। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि MPPSC ने पेपर 6 में क्या क्या सिलेबस में निर्धारित किया है या क्या क्या चीज़ें उस पेपर में आएंगी। तो सबसे पहले हम वो चीज़ देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि MPPSC ने जो पहली चीज़ है वो क्या दिया है, आपको निबंध लिखना है। निबंध क्या, प्रथम निबंध जो होगा वो होगा 1000 शब्दों में आपको लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 1000 शब्दों में लिखना है प्रथम निबंध, और जो कि सामान्य ज्ञान पर आधारित होगा। मतलब आपको यहाँ पर क्या है, टॉपिक्स दे दिए गए हैं और उन्हीं टॉपिक पे आधारित आपको क्या है, निबंध लिखना पड़ेगा। आप किस किस डायमेंशन से सोच सकते हैं वो सारी चीज़ें आपको उस निबंध में समाहित करनी होगी और उसके तहत आपको निबंध लिखना होगा। और ये जो निबंध होगा दोस्तों, ये होगा 50 अंकों का। ठीक है, यहाँ पर आपको इस 50 अंक के लिए या फिर इस निबंध के लिए आपको कितने 10 पेज निर्धारित किए गए हैं। मतलब आपको ये जो 1000 शब्दों का जो निबंध है वो कितने शब्दों में लिखना होगा, वो 10 पेज में लिखना होगा। 1000 शब्दों में लिखना होगा और कितने पेज निर्धारित हैं, उसके लिए 10 पेज निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो द्वितीय निबंध है, आपको दूसरा निबंध लिखना होगा, वो कितने शब्दों का होगा, वो 500 शब्दों का होगा। ठीक है, यहाँ पे 500 शब्दों का आपको निबंध लिखना है जो निर्धारित होगा उस समय के समसामयिक समस्याओं के बारे में। अब समसामयिक समस्याएं मतलब क्या हुआ, उस टाइम का जो भी करंट अफेयर, जैसे आप लास्ट ईयर का पेपर देखेंगे तो लास्ट ईयर में उस समय क्या है, यूक्रेन वॉर चल रहा था, तो यूक्रेन वॉर पे एक क्वेश्चन आ गया था, OTT पे क्वेश्चन आ गया था। तो इस तरीके से जो भी उस समय के करंट के मुद्दे होंगे या समसामयिक जो भी समस्याएं या घटनाएं हुई रही होंगी उस पे आधारित आपको एक निबंध लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो द्वितीय निबंध लिखना है वो लिखना है 500 शब्दों में, और दूसरी चीज उसके लिए कितने अंक निर्धारित किए गए हैं, तो यहाँ पे उस द्वितीय निबंध के लिए आपको 25 अंक निर्धारित किए हैं। मतलब पहला जो निबंध होगा उसका पूर्णांक 50 का होगा और जो दूसरा निबंध होगा वो होगा 25 अंकों का। ठीक है, उसके बाद जो तीसरी चीज आती है वो आएगी प्रारूप लेखन पे। अब एक प्रशासनिक अधिकारी को लेटर का ज्ञान होना या किस तरीके से लेटर एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में भेजना चाहिए या फिर किस लेटर का क्या प्रारूप है वो जानने की बहुत आवश्यकता होती है। इसलिए MPPSC ने सिलेबस में सभी प्रकार के लेटर का प्रारूप को समझना और उसे जानकर उस प्रारूप को लिखने का सिलेबस के अंतर्गत निर्धारित किया है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि प्रारूप लेखन में आपको कुछ लेटर्स का प्रारूप या फिर उस लेटर को लिखने का एक सही तरीका मालूम होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे शासकीय है, अर्धशासकीय पत्र है, शासकीय पत्र है, ठीक है, परिपत्र है, सर्कुलर जिसे बोलते हैं, प्रपत्र है, विज्ञापन हो गया, कार्यालय आदेश हो गया, पृष्ठांकन हो गया, अनुस्मारक, ठीक है, और प्रतिवेदन, अधिसूचना, इस तरीके के क्या है, इन सब के एक क्या है, प्रारूप निर्धारित किए गए हैं और उसी प्रारूप के तहत हमें वो लेटर लिखना होता है। कई बार मुख्य परीक्षा में क्या होता है कि आपको या तो प्रारूप लिखने को आ जाएगा जहां पर आपको शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र या दिए गए जितने भी यहाँ पर वो हैं प्रारूप, उसी निर्धारित प्रारूप पर आपको क्या है, प्रारूप बनाना होता है। या फिर MPPSC के द्वारा कुछ एक एग्जाम्पल दे दिया जाता है जहाँ पे वो पत्र किसके द्वारा लिखा गया है या किसे लिखकर भेजना है और किस मुद्दे पर आधारित वो लेटर लिखना है, वो सारी चीज़ें आपको दे दिया जाता है और उसी प्रारूप में आपको क्या, वो लेटर लिखना पड़ता है। तो इस तरीके से सिलेबस में ये तीन चीज़ें आएंगी, आपको ये तीन क्वेश्चन मिलेंगे। उस तीन क्वेश्चन में आपको 2 निबंध लिखने होंगे, जो पहला निबंध 1000 शब्दों का होगा और दूसरा निबंध कितना, 500 शब्दों का होगा। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा प्रश्न होगा, तीसरे प्रश्न में आप देखेंगे कि वहाँ पर 2 क्वेश्चन आएंगे और उस 2 क्वेश्चन में आपको दोनों का या तो प्रारूप पूछने को आ जाएगा या तो फिर क्या होगा, उस लेटर को आपको लिखना पड़ेगा और उस लेटर में आपको ये सारी चीज़ें दी गई हैं, जैसे शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, जितने भी फैक्टर्स यहाँ पे दिए हैं, आपको वो सारे प्रारूप याद करने होंगे और वो सारे प्रारूप आपको आगे वाले लेक्चरों में आपको बताया जाएगा कि किस किस तरीके से क्या प्रारूप में आपको वो लिखना है और किस तरीके से आपको वो लेटर कंप्लीट करना है।
जिससे क्या है कि अगर आपने वो प्रारूप बहुत सही बनाया या उसको सही तरीके से लिखा तो क्या होता है कि वहाँ पे आपको मैक्सिमम मार्क्स या पूरे मार्क्स मिलने के चांस रहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 25 नंबर का है, ठीक है, 12.5 नंबरों के दो आपको प्रारूप बनाने हैं, या फिर 10 नंबर या 15 नंबर का, जैसा भी वो निर्धारित करेंगे उस तरीके से आपको प्रारूप लिखना पड़ेगा। और उस प्रारूप में आप देंगे तो आपको 10 में से 6 से 7 नंबर या 8 नंबर और 15 में से क्या है आपको 10 नंबर या 11 नंबर मिलने के बहुत चांस रहेंगे, अगर आप कोई गलती नहीं करते हैं तो। अब दोस्तों इस पेपर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है, जहाँ पर आपको क्या है, यहाँ पर आपको क्या है, बिल्कुल भी अशुद्धियाँ नहीं करनी है। मतलब आप जब भी हिंदी लिखेंगे तो वहाँ पे आपको वर्तनी शुद्धता का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। आप किसी प्रकार की मात्राओं को गलत ना लिखें, पहला इम्पॉर्टेंट चीज़। दूसरी चीज़, आप कहीं पर काटा पीटी नहीं करें, ठीक है। तो इन कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो पेपर है, जैसे ये पेपर आपको क्या है हिंदी मीडियम में ही लिखना होगा, मतलब ये सारे इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम किसी भी लैंग्वेज के छात्र होंगे, वो जो ये पेपर 6 है वो आपको हिंदी में ही लिखना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जहाँ पर जिनको क्या है इंग्लिश के लेटर्स वगैरह तो पता होते हैं, लेकिन किस तरीके से हिंदी में प्रारूप लिखा जाता है या किस तरीके से हिंदी में निबंध लिखा जाता है वो उन्हें नहीं मालूम होता है, ठीक है। और जो आगे जाकर जब आप प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे तो वहाँ पर क्या है, जो लेटर्स होते हैं या लेटरों का आदान प्रदान होता है वो क्या होता है, वो हिंदी में ही होता है कई जगह इंग्लिश में भी होता है, लेकिन हिंदी ज़्यादा ज़्यादा देखी जाती है कि जहाँ पे हिंदी में लेटर्स लिखे जाते हैं। तो आपको एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में एक हिंदी में किस तरीके से लेटर लिखना है वो आपको जानना क्या है बहुत ज़रूरी होता है। तो ये पेपर क्या होगा, कंपलसरी होगा, दोनों ही माध्यम के छात्रों के लिए आपको हिंदी में ही लिखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के छात्र जब अगर वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो बहुत सारे शब्दों में क्या करते हैं, वो गलतियाँ करते हैं, और उस गलतियों में वो क्या करते हैं कि यहाँ पे कहीं पे वो मात्राएँ गलत कर दिए, कहीं पे वो अच्छे से अगर प्रारूप पढ़ के नहीं गए तो प्रारूप गलत लिख के आते हैं, जहाँ पर आपके क्या होंगे, पूरे के पूरे मार्क्स कटने के चांसेस रहते हैं। अगर आपने प्रारूप सही तरीके से नहीं बनाया या आपने कोई प्रतिवेदन सही तरीके से नहीं लिखा तो वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ अगर प्रारूप सही तरीके से नहीं लिखने के कारण आपके वो पूरे मार्क्स वहाँ पर कट जाते हैं, ठीक है। निबंध में भी बहुत सारी ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि आपको एक अच्छा निबंध किस तरीके से लिखना चाहिए, क्या क्या उसमें मूल बातों का ध्यान रखना चाहिए, एक प्रवाहपूर्ण निबंध लिखना लिखने की कला किस तरीके से होनी चाहिए वो हम इस लेक्चर में जानेंगे कि एक अच्छा निबंध लिखने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कि जो लास्ट ईयर जो MPPSC 2020 में जो पेपर आया था निबंध का वो किस तरीके से आया था। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो पेपर होता है ये 2 आवर्स का होगा, मतलब 2 घंटे इसकी समय सीमा निर्धारित की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पेपर होगा वो कितने घंटे का होगा, 2 घंटे का होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो पेपर है वो 2 घंटे का है, और दूसरी चीज़ जो है जिसका पूर्णांक होगा वो कितना होगा, वो 100 नंबरों का, मतलब 50 नंबर का आपको प्रथम निबंध लिखना है जो कि सामान्य ज्ञान पर आधारित होगा, और जो 25 नंबर का जो पूर्णांक है वो द्वितीय निबंध लिखना है आपको, वो करंट पर आधारित होगा, मतलब कोई भी समसामयिक घटनाएं उस समय जो चल रही होंगी या विगत 1 वर्षों में जो भी मुख्य घटना रही होगी उस घटना पर आधारित आपको निबंध पूछ लिया जाएगा। यहाँ पर जो सामान्य ज्ञान है उनके टॉपिक्स तो आपको दिए गए हैं कि उन्हीं टॉपिक से ही रिलेट करेगा, लेकिन यहाँ पर आपको समसामयिक घटनाओं पर आधारित टॉपिक्स नहीं दिए गए हैं, इसलिए आपको ये निर्धारित करना होगा कि 1 या 1.5 साल में जो भी प्रमुख घटनाएं हुई हैं उन सभी घटनाओं के बारे में आपको अवगत होना बहुत ज़रूरी है, और उस पर निबंध लेखन या किस तरीके से उसके बारे में लिखना है वो चीज़ आपको पता होनी ज़रूरत है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो 1000 शब्दों का निबंध है उस 1000 शब्दों में यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, जैसे पहला क्वेश्चन था भारतीय संस्कृति के मूल आदर्श, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा है आपको, भारतीय संस्कृति के मूल आदर्श। अब इंडियन कल्चर होता है या भारतीय संस्कृति जो भी होती है, यहाँ पे क्या क्या उसके आदर्श हैं, किस तरीके से भारत जैसा है, एक क्या बहुत डाइवर्सिफाइड कंट्री है, मतलब आपको जगह जगह पर क्या है विविधताएं मिल जाती हैं या अलग अलग संस्कृतियाँ मिल जाती हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पे आपको क्या लिखना है, भारतीय संस्कृति के मूल आदर्शों पर आपको 1000 शब्दों का निबंध लिखना है। दूसरा टॉपिक आप देख रहे होंगे विज्ञान और विश्व शांति, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको ये 1000 शब्दों का जो यहाँ पर निबंध है वो दो दो पार्ट में है, जैसे विज्ञान है और विश्व शांति के ऊपर है, ठीक है।
तो इन दोनों का मिश्रण करके आप कितना अच्छा निबंध लिख पाते हैं, ये यहाँ पर जो एक निबंध लिखने की कला होगी वो आपको यहाँ पर प्रस्तुत करनी होगी। अब दोस्तों यहाँ पर ये MPPSC ने निबंध डाला क्यों, मतलब सिलेबस में क्यों डाला और हिंदी में ही क्यों डाला? तो पहली चीज़ आपको क्या है कि लैंग्वेज में कमांड होनी चाहिए, मतलब आपको लैंग्वेज, दोनों ही लैंग्वेज अच्छे से आनी चाहिए। और दूसरी चीज़, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को जानने के लिए, मतलब यहाँ पे व्यक्ति एक किसी मुद्दे पर या किसी भी टॉपिक पर कितने डायमेंशन से सोच सकता है, ये जानने के लिए आपको लिखित रूप में ये दिया गया है या निबंध लिखा जाता है। जिससे वो क्या करता है कि जब आप निबंध लिखते हैं और जब आप एक लंबा निबंध लिखते हैं तो वहाँ पे आपकी क्या विचारधारा है या किस विचार से आपने उस निबंध को लिखा है, ये जानने की कोशिश मतलब पेपर्स में की जाती है। जब भी कोई चेकर कॉपी चेक करता है तो वहाँ पे वो देखता है कि बच्चे ने किस किस चीज़ों को ध्यान दिया है, उसने क्या क्या डायमेंशंस चेक किए हैं, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे उस अच्छे निबंध में एक डालनी होती है। तो ठीक है, यहाँ पर ये टॉपिक आ गया। तीसरा क्या है, स्वार्थ लागी करहीं सब प्रीति, ठीक है, इस टॉपिक पे निबंध पूछा गया। और चौथा है वाचिक साहित्य। अब यहाँ पर चार टॉपिक पे आपको क्या मिल गया, चार टॉपिक मिल गए जहाँ पे आपको किसी एक का चुनाव करना है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे कि आपको जो चुनाव करना होगा वो एक ऐसे निबंध का चुनाव करना होगा जहाँ पर आप उसको हर डायमेंशन से सोच सकें, आपके पास वो सारे डायमेंशन के टॉपिक हों और उसके अंतर्गत आप उस चीज़ों को क्या है विस्तार से बता सकें। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसा टॉपिक चुनिएगा जो थोड़ा सा सरल भी हो, आप उस पर लिख सकें और अपनी एक सही विचारधारा, सही दिशा में विचारधारा प्रस्तुत कर सकें। ठीक है, तो ये जो पहला निबंध होगा वो 50 मार्क्स का होगा। अब आप आगे देखेंगे यहाँ पर जो दूसरा निबंध है, दूसरा निबंध किस पे आधारित होगा, हमने अभी बताया आपको कि जो दूसरा निबंध है वो समसामयिक घटनाओं के बारे में होगा, मतलब कोई भी करंट जो घटनाएं होगी जो एक डेढ़ साल के पूर्व आई होगी वो उसके बारे में आपको जानकारी आवश्यक हो जाती है। तो यहाँ पर भी आपको क्या है, आपको चार ऑप्शन दिए हैं, उस चार ऑप्शन में आपको क्या है एक निबंध का चुनाव करना है। जैसे आपको पहला टॉपिक दिया गया है OTT प्लेटफॉर्म। ठीक है, आजकल आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से OTT प्लेटफॉर्म मतलब लगातार आगे बढ़ रहा है, उसमें नई नई मूवीज, वेब सीरीज, इस तरीके से अलग अलग चीज़ें आ रही हैं। तो एक कहीं ना कहीं एक क्या है, सिनेमा से अलग जाकर एक OTT प्लेटफॉर्म आया जहाँ पर लोग घर बैठ कर ही क्या है सारी चीज़ें या सारे मनोरंजन के क्षेत्र की चीज़ों का मतलब लुफ्त उठा पा रहे हैं। तो ठीक है, यहाँ पर एक OTT प्लेटफॉर्म का भी मुद्दा आया है। तो यहाँ पर आपको एक टॉपिक मिल गया OTT प्लेटफॉर्म। दूसरा आप देखेंगे कि सूक्ष्म लघु या मध्यम उद्योग, चुनौतियाँ और संभावनाएं। जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि विगत कुछ समय से लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग और मध्यम उद्योगों का लगातार पतन हो रहा है। ठीक है, मतलब ये छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज हैं वो लगातार समाप्त हो रही हैं, जिससे क्या है कि बहुत सारी समस्याएँ या चुनौतियाँ आ रही हैं। चूँकि आप जानते हैं कि लघु उद्योग भारत की GDP में 38% अपना योगदान देते हैं, अगर ये चुनौती, ये सारे सूक्ष्म उद्योग या लघु उद्योग ही समाप्त हो जाएंगे तो फिर भारत की GDP को बहुत नुकसान हो जाएगा और भारत की ग्रोथ रेट को क्या है नुकसान पहुंचेगा। तो ये एक इकोनॉमिक बेसिस पे या एक अर्थव्यवस्था के रूप में ये हमारा बहुत ही पिछड़ता हुआ रूप दिखाई देगा, मतलब हम उस तरीके से अपनी ग्रोथ रेट आगे नहीं बढ़ा पाएंगे जिस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं अगर इनका सही निराकरण नहीं किया गया। तो इसलिए ये टॉपिक जो है आपसे पूछा गया है कि किस तरीके से यहाँ पर क्या क्या चुनौतियाँ हैं और उसे बचाने के लिए क्या क्या संभावनाएँ हो सकती हैं, मतलब यहाँ पे आपको एक क्या है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ, एक प्रोग्रेसिव अप्रोच के साथ आपको वो निबंध लिखना होगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे आगे देखिएगा कि ग्लासगो जलवायु सम्मेलन, ये एक सम्मेलन हुआ था, ठीक है, जलवायु से संबंधित, तो उस पर आधारित आपको निबंध लिखना था कि आप वो 500 शब्दों में एक निबंध लिखिए जिसमें आपको सारे पहलू चेक करने पड़ेंगे कि किस किस वजह से या क्या रीजंस थे इस सम्मेलन को होने के। ठीक है, अगला आप देखेंगे यूक्रेन संकट और विश्व व्यवस्था। अब यूक्रेन जो रशिया ने यूक्रेन पर आक्रमण किया तो उससे क्या क्या इम्पैक्ट हुए, किस तरीके से विश्व राजनीति पर या विश्व अर्थव्यवस्था पर उसका प्रभाव पड़ा, तो इसलिए ये निबंध आपको दिया गया है। ठीक है, तो आगे हम ये जानेंगे कि आपको एक अच्छा निबंध लिखने के लिए क्या क्या अप्रोच अपनानी चाहिए या किस तरीके से एक अच्छा निबंध लिखा जा सकता है। अब आप यहाँ पे आगे देखेंगे जो तीसरा प्रश्न था, तीसरा प्रश्न जो रहेगा वो प्रारूप लेखन से ही संबंधित होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या है प्रारूप लेखन से संबंधित होगा। और दूसरी चीज़,
दूसरी चीज क्या होगी, जहां पे आपको जो भी निर्धारित टॉपिक दिए गए हैं, मतलब प्रारूप लेखन के अंतर्गत आपको कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं कि किस किस का आपको प्रारूप आना चाहिए, उन्हीं के आधार पर आप क्या करेंगे, प्रारूप सीखेंगे। जैसे आपको यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको एक अर्थशास्त्री पत्र लिखने को दे दिया गया, ठीक है, और ऑप्शन में क्या किया, दूसरा चीज आपको एक रिपोर्ट बनाने को कहा गया है ना, मतलब आप रिपोर्ट बनाने को अनुस्मारक लिखने को कहा गया कि आप एक अनुस्मारक लिखिए या फिर एक अर्थशास्त्री पत्र लिखिए। तो यहां पर आपको क्या है, एक ऑप्शन मिला है, या तो आप अर्थशास्त्री पत्र लिखिए या फिर अनुस्मारक लिखिए। तो यहां पे एक ये क्वेश्चन हो गया, और यहां पे एक दूसरा क्वेश्चन जो है, जहां पर आपको क्या है, प्रतिवेदन लिखने को कहा गया। इन दोनों के क्वेश्चन में आपको क्या है, प्रतिवेदन लिखने को कहा गया है, और आपको अलग अलग क्या है, टॉपिक बता दिया गया है कि जो प्रतिवेदन होगा वो किससे संबंधित होगा, तो वो टॉपिक दिया गया है, और आपको क्या है, उस प्रारूप पर, निर्धारित प्रारूप के आधार पर ही आपको प्रतिवेदन लिखना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको ये बता दिया गया कि किस तरीके से आपका क्या होगा, पेपर सिक्स का एक पैटर्न होगा, और उस पैटर्न के थ्रू ही आप काम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि एक अच्छा निबंध लिखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मतलब किस तरीके से हमें एक अच्छा निबंध लिखना चाहिए, क्या क्या अप्रोच होनी चाहिए, किस तरीके से निबंध को लिखना है, उसमें हमें क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है, और क्या क्या एक अच्छे पॉइंट्स लिखने हैं, वो समझकर हम ये समझेंगे कि आगे आपको आपको एक अच्छा निबंध लिखने के लिए क्या क्या करना चाहिए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक निबंध लेखन के लिए आपको क्या है, मतलब निबंध लिखने के लिए आपको क्या क्या करना है, या निबंध लिखना किस तरीके से आपके लिए एक अच्छा लाभकारी होगा, और उसके लिए आपको अच्छे नंबर गेन करने के लिए क्या क्या चीज़ें अपनानी पड़ेंगी। सबसे पहले आप ये समझिए कि निबंध होता क्या है, मतलब निबंध का अर्थ क्या है, निबंध कहाँ से निकला। तो निबंध जो शब्द है वो नी और बंध से बना है, मतलब कोई एक ऐसी रचना जिसमें आपको क्या हो, वो बंधी हुई हो, किसी भी मतलब क्या है कि अनर्गल बातें ना हो उसमें, आपका क्या हो, एक क्रमबद्ध रूप से हो, तो ठीक है। एक बंधी हुई रचना, जैसे आपको कोई भी टॉपिक दे दिया गया, आपने वो टॉपिक लिया और उस टॉपिक के बारे में आपने जब लिखना स्टार्ट किया, तो आपने उसमें ऐसी चीज़ें समाहित की जो एक बंधी हुई लगे। मतलब जैसे आप एक सर्कल देखिए, उस सर्कल के अंदर आपको क्या है, ऐसी चीज़ रखनी है, उस सर्कल के अंदर क्या है, आपको एक ऐसी चीज़ें रखनी है जो उस सर्कल के अंदर सारी चीज़ें समाहित कर दे, है ना। मतलब कोई भी ऐसा टॉपिक ना हो जो उससे संबंध ना रखता हो। जैसे मान लीजिए आपने कोई सा एक कमरा बनाया, ठीक है, उस कमरे में आपने कोई सा अपना रूम बनाया, रूम में उसमें आपको क्या क्या चीज़ें रखना है वो आपने सेट कर दिया। अब आप रूम में कभी भी किचन का सामान तो नहीं रखेंगे, ठीक है, उसमें तो आप कुछ उसमें उसके लिए भी एक निर्धारित रूम होगा। तो जैसे आपको कोई भी आपको टॉपिक मिल गया, उस टॉपिक में उससे रिलेटेड आप जो जो चीज़ें डाल सकते हैं, जो उसमें एक क्रमबद्धता दिखाए, पहला प्रारूप, जैसे कोई आपने क्या है निबंध लिखा और उसको अनुच्छेदों के रूप में लिखा, अब जो पहला अनुच्छेद है वो क्या है, जो नीचे वाला अनुच्छेद होगा वो ऊपर वाले अनुच्छेद से क्या होना चाहिए, रिलेट होना चाहिए। तो आपका जो पूरा निबंध होगा, निबंध क्या होगा, वो पूरे तरीके से एक लाइन के रूप में होना चाहिए और पढ़ने में सरलता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक निबंध का मतलब होता है एक बंधी हुई रचना, जहाँ पे आप अपने विचार को एक क्रमबद्ध रूप से लिख सकें, ठीक है। अब जैसे क्या होता है कि यहाँ पर जब व्यक्ति निबंध लिखता है, तो व्यक्ति किसी भी विषय पर एक सुनियोजित विधि से अपने लिखित रूप में क्या है, अपने विचारों को अभिव्यक्त करेगा, ठीक है। समझ में आ गया, मतलब क्या है, निबंध को आप क्या है, निबंध किस तरीके से लिखना है, एक बंधी हुई रचना होती है, और दूसरी चीज़ क्या है, उसमें क्रमबद्धता का होना बहुत ही आवश्यक है। अब आप देख रहे होंगे कि निबंध के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे क्या है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर निबंध के तीन टाइप बताए गए हैं, एक वर्णनात्मक निबंध, दूसरा विचारात्मक निबंध, और तीसरा भावात्मक निबंध। मतलब आप यहाँ पे क्या है, वर्णनात्मक निबंध क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप कोई स्थल घूमने गए, ठीक है, आपने कोई सा शहर विजिट किया या फिर कोई ऐसा ऐतिहासिक स्थल विजिट किया, जब आप उस स्थल में जाकर सारी चीज़ों को देखते हैं, और आपसे कभी पूछा गया कि भैया आप इसके बारे में बताइए कि आपने वो स्थल घूमा है, उसका पूरा वर्णन कीजिए, तो वहाँ पर आप जब किसी स्थल के बारे में या किसी फेस्टिवल के बारे में कोई एक पूरा का पूरा वर्णन करते हैं, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, वो वर्णनात्मक निबंध के अंतर्गत आएगा। मतलब आप किसी चीज़ों के बारे में क्या है, एक सुनियोजित रूप से वर्णन कर रहे हैं, ठीक। दूसरा क्या है, एक विचारात्मक निबंध, मतलब जैसे मान लीजिए आपको कोई टॉपिक दे दिया गया, मान लीजिए आपको क्या दे दिया गया, दहेज प्रथा, ठीक है। अब दहेज प्रथा एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे आपको विचार करना पड़ेगा कि इसके क्या क्या नकारात्मक प्रभाव है, या किस तरीके से ये समाज की एक कुरीति के रूप में बढ़ रही है, इसके क्या क्या इम्पैक्ट हो रहे हैं समाज में, किस तरीके से लोगों को ये प्रभाव डालती है,
तो जहां पर आपको क्या है अपने विचार देने हो, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा आपको एक विचारात्मक निबंध लिखना पड़ेगा, मतलब अपनी सोच डेवलप करके आपको एक सुनियोजित निबंध लिखना पड़ेगा। ठीक, तीसरा क्या होगा आपको भावात्मक निबंध लिखना होगा, मतलब आपको कोई सा ऐसा टॉपिक मिला उससे जब कोई एक भाव उत्पन्न होता है, ठीक है, तो उस भाव को आप अपने विचारों के रूप में किस तरीके से एक निबंध में प्रस्तुत करते हैं वो सारी चीजें आपको डालनी होगी, है ना। अब एक निबंध के रूप में जब आप एक निबंध लिखते हैं तो उस निबंध में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, जैसे आप देखते होंगे कि एक निबंध को लिखने के लिए आप उसमें तीन मुख्यतः क्या है, तीन अंग होते हैं, ठीक है। जैसे आपका जो पहला अंग हुआ वो प्रस्तावना या भूमिका हुई, है ना। दूसरा अंग जो होगा वो क्या होगा, उसमें मुख्य विषय वस्तु होगी, और तीसरा जो होगा उपसंहार होगा या निष्कर्ष होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है, यहां पर आपको तीन अंग हो गए किसके, निबंध के, कि आपको अगर एक निबंध लिखना है तो उस निबंध में प्रस्तावना लिखना है आपको, ठीक है, मुख्य विषय वस्तु लिखना है कि उस टॉपिक के बारे में क्या क्या चीजें हैं, और तीसरा लिखना है कि उस जो आपने निबंध लिखा है उसका सार क्या है, मतलब एक उसकी निष्कर्ष क्या है कि वो पूरे निबंध की पूर्णता को बता दे। ठीक, यहां पे क्या है, निबंध के तीन अंग हो गए। अब ये तीन अंग तो हैं, लेकिन जब आप निबंध लिखते हैं तो आपके दिमाग में एक चीज आएगी कि उस निबंध को लिखने के लिए आपको कितना कितना परसेंटेज देना है, मतलब जैसे आपको क्या है, पहले निबंध में आपको 10 पेज मिल गए, ठीक है। अब 10 पेज में आपको प्रस्तावना कितनी लिखनी है, या मुख्य विषय वस्तु कितनी लिखनी है, या निष्कर्ष या उपसंहार कितना लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जानने की आवश्यकता है, यहाँ पे जब भी आप निबंध लिखेंगे तो निबंध में आप जब प्रस्तावना या भूमिका लिखेंगे तो वहां पर आपको 10 से 15%, मतलब टोटल निबंध का 10 से 15% आपको प्रस्तावना या भूमिका लिखना है, 70 से 80% आपको मुख्य विषय वस्तु लिखना है, और उपसंहार या निष्कर्ष कितना लिखना है वो आपको लिखना है 10 से 15%। जैसे आपको यहाँ पर आपको 10 पेज दे दिए गए, ठीक है, पहला निबंध लिखने के लिए 10 पेज दिए गए, तो यहाँ पे आपको क्या है, एक से डेढ़ पेज क्या लिखना है आपको, एक से डेढ़ पेज प्रस्तावना लिखना है, ठीक है, और 7 से 8 पेज आपको क्या लिखना है, 7 से 8 पेज आपको मुख्य विषय वस्तु लिखनी है, और जो क्या होगा उपसंहार होगा या निष्कर्ष होगा वो आपको 1 से 1.5 पेज लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो निष्कर्ष लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 1 से 1.5 पेज का। तो इस तरीके से आपको 1000 शब्द का निबंध लिखना है, उसको तीन अंगों में आप डिवाइड कर लीजिए, और उसमें क्या क्या लिखना है वो हम आगे बताते हैं, ठीक है। अब जैसे आपको चार टॉपिक मिल गए, जब आपको चार टॉपिक मिलेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे जो जरूरी काम है कि आप उस पर सोचिए और उस चारों टॉपिक को देखिए और उसमें विचार कीजिए कि यहाँ पे आपके लिए, मतलब जो भी आपको टॉपिक है उसको चयन करना कि आप कौन सा टॉपिक उठाते हैं और उस टॉपिक के बारे में आप उसके प्रवाह के रूप में या किस तरीके से क्रमबद्ध रूप में आप उसमें क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं वो सारी चीज़ें सोचिए। वो सारी चीज़ें सोचने के बाद आप क्या करेंगे कि वो टॉपिक को उठाएंगे और फिर उसकी क्या है एक रूपरेखा बनाएंगे, है ना। उस रूपरेखा में आप ये देखेंगे कि आप भूमिका में क्या लिखेंगे, या आप विषय वस्तु में क्या क्या लिखेंगे, या निष्कर्ष में क्या क्या लिखेंगे, ये आपको विषय के चयन करने के बाद आपको डिसाइड करना है। जैसे आपको क्या है, एक पहला टॉपिक लेने के बाद आप उसमें 10 मिनट निकालिए और 10 मिनट में पूरे टॉपिक लिख लीजिए। आप एक पीछे रफ कार्य लीजिए और उस रफ कार्य में क्या करिएगा, आप एक रूपरेखा बना लीजिए, जिस रूपरेखा में आप एक लाइन से आप क्या करिए सारे पॉइंट्स लिखिए कि आपको जो निबंध है 1000 शब्दों का वो आप अच्छे से और क्रमबद्ध रूप से लिख सकें। इससे दिक्कत क्या होती है दोस्तों, अगर आपने रूपरेखा नहीं बनाई, ठीक है, आप अगर रूपरेखा नहीं बनाते हैं तो उससे क्या होता है कि आप अगर डायरेक्ट लिखना शुरू कर देते हैं तो कई बार दिमाग से कुछ पॉइंट्स निकल जाते हैं, ठीक है, और आप निबंध लिखते लिखते जब अंत में पहुंचते हैं तो आपको लगता है कि अरे ये मेन पॉइंट छूट गया या ये मेन टॉपिक आपका छूट गया। तो मुख्य विषय वस्तु लिखते समय आपको क्या होती है, ये समस्या देखनी पड़ती है, मतलब बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत आई है, ठीक है। तो आपको क्या है, एक अच्छा निबंध लिखने के लिए उसमें क्रमबद्धता जरूरी है, तो सारे पॉइंट्स आप सारे की पॉइंट्स लिख लीजिए, आप उसकी रूपरेखा बना लीजिए, और उस रूपरेखा बनाने के बाद आप निबंध को लिखना स्टार्ट करिए। यहाँ पे आपको क्या फायदा होगा कि आपका कोई सा भी पोर्शन छूटेगा नहीं और आप एक प्रवाहपूर्ण निबंध क्या कर पाएंगे, एक लिख पाएंगे, ठीक है। अब जैसे कई बार आपने देखा होगा कि जो सामान्य ज्ञान, जैसे दो टाइप के निबंध आते हैं 1000 शब्द में आपको आएगा, तो आपके क्या होगा, पहला जो होगा वो सामान्य ज्ञान पर आधारित होगा, जैसे क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपका एक है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठीक है, तो ये क्या है एक सामान्य ज्ञान का है टॉपिक है ना, आज के डेट में ये करंट में भी चल रहा है तो ये दोनों चीज़ों में आता है। लेकिन आपसे क्या पूछ लेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, ठीक है, किस तरीके से ये काम करेगा, भविष्य में क्या क्या इसके सकारात्मक या नकारात्मक
प्रभाव आएंगे या फिर उस पर तर्क वितर्क के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, ये सामान्य ज्ञान आधारित हो गया। दूसरा क्या जो आते हैं और भी टॉपिक, जैसे विचारों पे आधारित आ गया कि किसी का कोई दर्शन हो गया, जैसे गांधीवादी दर्शन हो गया या फिर कोई सा भी रविन्द्रनाथ टैगोर का दर्शन हो गया, सर्वपल्ली राधा, मतलब किसी का भी दर्शन पर आधारित या विचारों पर आधारित कोई सा टॉपिक आ गया। तो इस तरीके से आपको क्या है, अलग अलग टॉपिक पर निबंध पूछ सकते हैं। अब निबंध लिखने से क्या होता है, मतलब अगर आप कोई निबंध लिखते हैं तो उससे क्या मिलेगा, तो यहाँ पर जो कॉपी चेक करने वाले होंगे वो आपके व्यक्तित्व की जांच कर लेते हैं। ठीक है, मतलब वो ये देखते हैं कि कोई बच्चा अगर निबंध लिख रहा है, यहाँ पे 1000 शब्द, ठीक है, मतलब आप किसी टॉपिक के बारे में बताया गया है, तो आप उस टॉपिक के बारे में कितने डायमेंशन से सोचकर आपने वो निबंध लिखा है, जहाँ पर वो निबंध क्या है, एक प्रवाहपूर्ण भी हो, एक अच्छा निबंध भी हो, अच्छी बातों का उपयोग किया गया हो। ठीक है, तो वो सारी चीज़ जानने के लिए, व्यक्ति के विचारों को पहचानने के लिए, जब हम उसको लिखित रूप में देखते हैं कि उसने क्या क्या सोच के लिखा है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है कि अलग अलग टॉपिक आते हैं और हर एक बच्चा एक तरीके से निबंध नहीं लिखेगा, तो यहाँ पर उसके व्यक्तित्व को पहचानने के लिए निबंध लिखना क्या हो गया, आवश्यक हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या है कि निबंध का चयन कर लिया, आपको उसके अंग भी बता दिए गए कि आपको क्या करना है, भूमिका लिखनी है, विषय वस्तु लिखनी है और उसके बाद निष्कर्ष लिखना है। अब आप सोच रहे होंगे कि निबंध की शुरुआत जब करते हैं अपन तो प्रस्तावना या भूमिका में क्या लिखना चाहिए, ठीक है, या कहाँ से शुरुआत करना चाहिए, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक अच्छे निबंध की शुरुआत के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे कोई सा भी टॉपिक हुआ वहाँ पे आपको कोई ना कोई कभी ना कभी आपको क्या है, कोटेशन मिल जाएगा, या तो फिर आपको किसी महापुरुष का कथन मिल जाएगा, कोई कहानी मिल जाएगी जो क्या है पुरानी रिलेटेड होगी या इतिहास से रिलेटेड होगी, कोई कविता मिल जाएगी जो उस टॉपिक के टॉपिक पर आधारित होगी, या फिर बहुत सारे ऐसे दोहे होते हैं जो दोहा पर आधारित हो, कोई दोहा मिल जाएगा, संवैधानिक प्रावधान। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई सा न्यायिक विषय पर कोई सा टॉपिक आ गया तो उसके लिए क्या क्या संवैधानिक प्रावधान है, जैसे लास्ट ईयर 2019 के मेंस में हिंदी भाषा के विकास के बारे में एक निबंध आया था। ठीक है, तो वहाँ पर क्या था, वहाँ पर आपको वहाँ पर से जब आप शुरुआत करेंगे तो वहाँ पर आप या तो हिंदी भाषा के इतिहास से बात कर सकते हैं, या फिर मतलब हिंदी भाषा के विकास के लिए क्या क्या संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं, जैसे आर्टिकल 343 से लेके 351 तक क्या है हिंदी भाषा के विकास के बारे में बात की गई है, तो यहाँ पर आप संवैधानिक प्रावधान से भी स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर जैसे मान लीजिए कोई दहेज प्रथा पे कोई निबंध आया, तो दहेज प्रथा पे जब निबंध आता है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एक न्यायिक निर्णय, अगर कोई सा बहुत क्या है दहेज प्रथा से रिलेटेड कोई बहुत बड़ा क्या है न्यायिक निर्णय हो, न्यायालय के द्वारा कोई ऐसा वर्डिक्ट दिया गया हो जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा हो किसके दहेज प्रथा को रोकने के लिए, तो वैसा निर्णय आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जब आप भी आप कोई भी निबंध लिखें तो या तो कोई वो कोटेशन से स्टार्ट हो, महापुरुष के कथन से स्टार्ट हो, कहानी से स्टार्ट हो, संवैधानिक प्रावधान हो, न्यायिक निर्णय के आधार पर हो, जब इन सब मूलभूत बातों का जब मिश्रण होगा या फिर जब भी आप किसी निबंध की शुरुआत इन सब चीज़ों के साथ करेंगे तो वो क्या करते हैं, वो मतलब निबंध के प्रभाव को बढ़ा देते हैं, मतलब आपका निबंध क्या होगा वो पढ़ने में ही क्या होगा, मतलब चेक करने वाले को प्रभाव दिखा देगा और ये दिखाएगा कि हाँ इसने इसको नॉलेज है या सही तरीके से एक सही अप्रोच के साथ एक निबंध लिखा गया है। ठीक है, अब प्रस्तावना में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे आप जब भी कोई प्रस्तावना या भूमिका लिखेंगे तो वहाँ पर आप कोई सा भी टॉपिक आए तो उसे ये सोचिए कि इतिहास में ये कहाँ से शुरू हुआ। ठीक है, मतलब आप ये देखेंगे कि इतिहास में क्या है, वर्तमान में क्या चीज़ चल रही है और भविष्य में इस टॉपिक से क्या प्रभाव पड़ेगा, किस तरीके से यहाँ पर सकारात्मक प्रभाव निभाएगा। तो आप जब भी कोई टॉपिक उठाएंगे तो उसको इतिहास से लेकर भविष्य तक ले जाइए, मतलब उसमें ये सारी बातें समाहित होनी चाहिए कि आप उस टॉपिक के बारे में उसका पूरा का पूरा क्या है परिचय दे दें, और वो परिचय कैसा होगा, वो इतिहास से लेकर भविष्य तक होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको पूरा इतिहास, वर्तमान और भविष्य बातों का ध्यान में रखकर उसका पूरा एक पूर्ण रूप से परिचय देना है उस टॉपिक के बारे में, समझ में आया। और जो भूमिका आप लिखेंगे, मतलब उसमें क्या होना चाहिए, उसमें एक पॉजिटिविटी दिखनी चाहिए और उसका सकारात्मक होना आवश्यक है, मतलब आप वहाँ पर क्या है उस टॉपिक के बारे में कोई भी नकारात्मक बात नहीं लिखेंगे। ठीक है, नकारात्मक बातें लिखने के लिए जो भी हम यहाँ पे तर्क वितर्क करेंगे या उसके पक्ष और विपक्ष में निर्णय देंगे वो हम क्या करेंगे, मुख्य विषय वस्तु में देंगे, लेकिन यहाँ पर आपको क्या है प्रस्तावना में ऐसी कोई भी नकारात्मक बातें नहीं करनी है जिससे क्या हो चेक करने वाले की अप्रोच चेंज हो या फिर उसको ऐसा लगे कि यहाँ पर निराशावादी दिखाया गया है या लिखने वाला क्या है निराशावादी है।
ठीक है। तो यहां पे आपका क्या है, जो भूमिका होनी चाहिए वो पॉजिटिविटी के साथ होनी चाहिए, और दूसरी चीज क्या होना चाहिए, वो सकारात्मक होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, इस तरीके से आपका क्या हुआ, प्रस्तावना कंप्लीट होगा और एक अच्छा प्रस्तावना निकल के आएगा। अब जैसे आप मुख्य विषय वस्तु लिखते हैं, जहां पे आपको 7 से 8 पेज लिखना है, और यहां पे आप जो भी चयनित विषय लिखे हैं उसको क्रमबद्ध रूप से आपको विस्तार पूर्वक बताना है। ठीक है, मतलब यहां पे आप कोई सभी टॉपिक चूज किए, उस टॉपिक के बारे में आपको वो टॉपिक है क्या, उसके क्या क्या उसमें क्या क्या इम्पैक्ट रहेंगे, किस तरीके से हुआ, कब से शुरुआत हुआ, किसके द्वारा शुरुआत किया गया। तो यहाँ पे जब आप अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे और उस क्वेश्चन से जो जो उत्तर निकलेंगे वो मुख्य विषय वस्तु में ही आपको लिखना है। ठीक है, अब जैसे आपको कोई टॉपिक मिला, जैसे मान लीजिए आपको टॉपिक मिला जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही, मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता का। ठीक है, तो इसके प्रभाव किस तरीके, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, पहले तो आप ये बताएंगे मुख्य विषय वस्तु में कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता है क्या। ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता है क्या, ये कहाँ से शुरुआत किया गया, मतलब आप स्टार्ट करेंगे कि वो इतिहास में कहाँ से स्टार्ट किया गया था कृत्रिम बुद्धिमत्ता को, फिर उसके क्या क्या इम्पैक्ट रहेंगे, है ना। तो आप उसमें और कौन कौन से डायमेंशन देखेंगे कि जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है वो किस तरीके से राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक या तकनीकी के क्षेत्र में क्या क्या प्रभाव डालेगी। मतलब किस तरीके से आपको कोई सा भी टॉपिक आपको मिला है तो उसमें जो मुख्य डायमेंशन होते हैं वो क्या क्या होंगे, वो राजनीतिक दृष्टि से हो सकते हैं, आपका उसमें आर्थिक दृष्टिकोण क्या है, सामाजिक क्या है, धार्मिक क्या है, सांस्कृतिक क्या है, वैज्ञानिक क्या है, भौगोलिक क्या है, तकनीकी क्या है, ये सारे डायमेंशन आते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ये सारे, कई बार ऐसे टॉपिक भी होते हैं जहाँ पर आपको क्या होगा कि ये सारे डायमेंशन नहीं आएंगे। जैसे कुछ टॉपिक ऐसे हुए जहाँ पर आपको या तो भौगोलिक नहीं मिल सकता या वैज्ञानिक रूप से वो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आप जो जो रिलेटेड होंगे, आपको मैंने यहाँ पे सारे पॉइंट्स बता दिए हैं कि आप इन डायमेंशन पर क्या है, सारी चीज़ें सोच सकते हैं, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, भौगोलिक और तकनीकी। ठीक है, तो आप इन सारे डायमेंशन से सोचिए, आपको जो भी टॉपिक लिखा होगा आप उनके बारे में विचार कीजिए, और विचार करने के बाद आपको निकलेगा कि हाँ ये डायमेंशन है। ठीक है, और ये डायमेंशन में हमें लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इन डायमेंशन पे विस्तार पूर्वक विवरण देंगे। ठीक है, अब वो विवरण देने के बाद जैसे आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, सकारात्मक और नकारात्मक पहलू लिखेंगे। जैसे आपको कोई टॉपिक मिला, उस टॉपिक के क्या क्या सकारात्मक पहलू हैं आप उनको लिख दीजिए। ठीक है, और उसके बाद आप उसका नकारात्मक पक्ष भी दीजिए, क्योंकि किसी भी चीज़ को आप देखेंगे तो उसके दो ही पहलू होते हैं। ठीक है, या तो सकारात्मक होगा या नकारात्मक होगा, और सकारात्मक नकारात्मक दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखेंगे कि यहाँ पे आपको कुछ नकारात्मक पहलू भी देने हैं जहाँ पर आप वो मुख्य विषय वस्तु में बताएंगे। फिर कई बार ऐसा होता है कि आप आगे मतलब देखते हैं कि हर एक टॉपिक में कुछ ना कुछ क्या होता है, या तो एक कोई उसके पक्ष में होगा या कोई उसके विपक्ष में होगा। तो अपन को क्या है, उस दोनों पक्षों को ध्यान में रखकर उसका तर्कपूर्ण एक क्या है, विवरण देना है। मतलब आप कोई सा टॉपिक को मिला है उसके पक्ष में भी अपनी विवेचना कीजिए, अपने विचारों की विवेचना कीजिए, और विपक्ष में भी अपने विचारों की विवेचना कीजिए, और उससे एक तर्कपूर्ण निर्णय निकालकर आप उस पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातों को समाहित करके आपको क्या है, एक मुख्य विषय वस्तु लिखना है। ठीक है, आपने वो टॉपिक लिया, टॉपिक का चयन कर लिया, आपने भूमिका लिख ली, भूमिका लिखने के बाद जो आपका मेन काम होगा वो मुख्य विषय वस्तु में होगा। यहाँ पर आपको मेन चीज़ जो ध्यान रखने वाली बात है, वहाँ पर क्या है कि आपको क्या है, पूरा एक क्रमबद्धता होना बहुत ज़रूरी है। मतलब क्या है कि ऐसा टॉपिक जो जब कोई मुख्य विषय वस्तु पढ़ी जाए तो वो ऐसी ना लगे कि ये वाला पोर्शन नीचे होना चाहिए या ये वाला पोर्शन ऊपर होना चाहिए। मतलब उसमें एक क्या है, यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए, एक क्रमबद्धता होना चाहिए, जहाँ से आपका निबंध क्या लगे, एक स्पष्ट तरीके से समझ में आए और वो पूरी सरलता से पूरा का पूरा वो लेख या निबंध समझ में आ जाए। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि आपको मुख्य विषय वस्तु में क्या क्या लिखना है। अब जो मुख्य पार्ट आता है वो आता है निष्कर्ष का, कि निष्कर्ष किस तरीके से लिखना है आपको। ठीक है, तो जो निष्कर्ष होता है या कंक्लूजन जो होता है वो संपूर्ण निबंध का एक सार होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर जो निबंध का जो है वहाँ पे आपने जो जो क्या है मुख्य विषय वस्तु या प्रस्तावना में जो लिखा है वहाँ पे उसका क्या है, इन पूरी चीज़ों का क्या है, हमें सार लिखना होता है, जहाँ पे हमें ये दिखाना है कि आपके उस निष्कर्ष में पूरा के पूरे निबंध की सारी बातें क्या हो, समाहित हो जाएं। और जो जो निष्कर्ष होगा उसका जो मूल उद्देश्य होगा वो क्या होगा, सकारात्मक होना चाहिए। मतलब आपकी जो विचारधारा होगी वो क्या होगी, प्रोग्रेसिव होगी, आप भविष्य के बारे में सोच कर लिखे होंगे। ठीक है, और यहाँ पे जब आप निष्कर्ष का एंड करेंगे तो वहाँ पर आप क्या है, कोई सभी करंट का उदाहरण देकर भविष्य पर आधारित निष्कर्ष
लिखेंगे, ठीक है। मतलब आपने कोई सा करंट का एग्जांपल दिया कि हाँ वर्तमान में अभी ये चीज़ें चल रही हैं या इस तरीके से ये चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है और आगे जाकर भविष्य में ये सारी चीज़ें इसके लिए क्या होंगी, लाभकारी होंगी, या ये टॉपिक्स में इसके लिए क्या है भविष्य पर इस तरीके से प्रभाव पड़ेगा। तो आपको एक निष्कर्ष में एक पूर्णता का होना, मतलब कोई निबंध का पूरा सार होना और उस निबंध की पूरी पूर्णता को जो बताता है वो कहलाता है निष्कर्ष, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या है, एक सही तरीके से एक अच्छा निबंध लिखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि क्या होता है जब चेक करने वाला आपका शुरू से निबंध पढ़ा, निबंध पढ़ते पढ़ते क्या हुआ लास्ट में आया, और आपने अगर निष्कर्ष सही तरीके से या अच्छा निष्कर्ष नहीं लिखा तो क्या है आपको कम मार्क्स मिलने के बहुत चांस रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक अच्छा निबंध के बाद एक अच्छा निष्कर्ष होना बहुत ही आवश्यक है, और वहाँ पे क्या होगा जब वो लास्ट में आप उसको निष्कर्ष पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा तो वो क्या करेगा आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स चांस मतलब मिलने के चांस रहेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि निबंध के गुण क्या होते हैं, मतलब निबंध कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया कि प्रस्तावना, विषय वस्तु और निष्कर्ष तो होना चाहिए। तो पहला क्या है कि निबंध क्या है, एक प्रवाहपूर्ण होना चाहिए, मतलब आप जब निबंध पढ़ें तो आपको वो फ्लो समझ में आए कि हाँ मतलब सही तरीके से स्टेप वाइज स्टेप क्या है चीज़ें लिखी गई हैं, सारी कड़ियों को जोड़ा गया है। मतलब जो चीज़ें हैं जैसे आपने क्या हुआ कि आपने पैरा में लिखा और पैरा में लिखने के बाद जो नीचे वाला पैरा है वो ऊपर वाले पैरा को जोड़ते गया, मतलब सारे पैरा क्या हो एक दूसरे से जुड़े हों और एक दूसरे के बारे में सही तरीके से क्या है जुड़ता हो। अब दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे कनेक्टिविटी होनी चाहिए। जैसे बहुत लोगों को लगता है कि निबंध जो है क्या वो उसको लिखना चाहिए, मतलब किसमें पॉइंट्स में लिखना चाहिए कि पैरा में लिखना चाहिए, ठीक है। ये बहुत लोगों को दिक्कत रहती है। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आपको क्या है पॉइंट्स में नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको निबंध जो है वो पूरा का पूरा किस में लिखना है, पैराग्राफ में लिखना है। और जो पैराग्राफ होगा वो पैराग्राफ कितना होगा, 4 से 5 लाइन का, ठीक है। मतलब आपको जो पैराग्राफ बनाने हैं वो 4 से 5 लाइन के पैराग्राफ बनाने हैं और उसी पैराग्राफ में आपको निबंध लिखना है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब दूसरी चीज़ होगी, जैसे आप क्या है यहाँ पर आपको क्या है कि आपने सारे कनेक्टिविटी के साथ आपने पैरा टू पैरा कनेक्टिविटी दिखाई। दूसरा चीज़ जो अगला जो मेन चीज़ होगा वो आपका क्या होगा कि यहाँ पर जो आपकी विचारधारा होनी चाहिए वो पूर्णतः तार्किक होना चाहिए। मतलब यहाँ पे आप जब निबंध लिखेंगे तो कोई भी ऐसी अतार्किक बात नहीं लिखेंगे, कोई भी ऐसी निराशावादी या आशावादी विचारधारा प्रस्तुत नहीं करेंगे। यहाँ पे जो दृष्टिकोण होना चाहिए वो क्या होगा, वो पूर्णतः तार्किक होना चाहिए, ठीक है। आपको सतत एवं समावेशी विचारधारा के साथ आपको निबंध लिखना है, ठीक है। मतलब विचारधारा ऐसी हो जो किसी भी प्रकृति या किसी भी प्रकार के लोगों को नुकसान ना पहुँचाए, और वो कैसी भी विचारधारा, वो एक सतत विचारधारा पर आधारित होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप आगे देखेंगे कि जो निबंध लिखा जाता है उसमें क्या है, व्यास शैली और समास शैली, इन दोनों शैलियों का प्रयोग होना चाहिए। जैसे व्यास शैली क्या होती है, व्यास शैली में मतलब आप किसी भी क्या है शब्द का या किसी भी टॉपिक को क्या है एक विस्तारपूर्ण विवरण दें, ठीक है। मतलब आप किसी भी टॉपिक को क्या है थोड़ा सा उदाहरण देकर उसे समझाएं, तो आपको निबंध में वो चीज़ भी डालना है। और समास शैली मतलब समास शैली का क्या है कि कम शब्दों में अपनी बातों को बताना, ठीक है। जहाँ पे आप ऐसी शब्दावली का प्रयोग करते हैं उसे समास शैली कहा जाता है। तो जब भी आप कम शब्दों में ज़्यादा चीज़ों को बता पाएंगे तो यहाँ पर क्या समझ में आएगा कि यहाँ पे आपको क्या है, आपको भाषा की परख अच्छी है, आप अच्छी तरीके से उस भाषा को समझते हैं। जब भी आप ऐसे शब्दों का उपयोग करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे आपका निबंध क्या होगा स्पष्ट बनेगा, और निबंध का जो लेवल होगा वो थोड़ा सा औरों के कंपेयर में हाई होगा। तो इस तरीके से जब आप समाज शैली शब्दों का प्रयोग करेंगे तो इस तरीके से क्या है आपको प्रभाव डालेगी। देखो दोस्तों लास्ट है, पर क्या है यहाँ पे आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको मेन चीज़ ध्यान रखना है मात्राओं का, क्योंकि MPPSC क्या है बहुत ज़्यादा उसे ये समस्या होती है अगर बच्चों को हिंदी लिखना नहीं आती है तो हिंदी में अशुद्धियों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, आपने जो गलतियाँ करनी है आप वो एग्ज़ाम से पहले ही कर लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा अगर आप बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्दों का क्या हुआ उसका गलत लिख दिया तो कई बार वो पूरा का पूरा निबंध ही काट देते हैं, ठीक है। मतलब आपने बहुत ऐसा कोई इंपॉर्टेंट शब्द हुआ आपने उसको गलत लिख दिया तो पूरा निबंध कटने का चांस रहता है, और आपको पूरा का पूरा क्या है उसके मन में क्या है एक इन्वर्स विचारधारा जागेगी, तो उससे आपको दिक्कत हो जाएगी। तो जितनी भी गलतियाँ करनी है आप वो एग्जाम से पहले कर लीजिए, आप अपना निबंध किसी और को दिखाइए और उससे ये बोलिए कि यहाँ पर क्या क्या अशुद्धि मेरे द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, तो आपको क्या है अशुद्धियाँ नहीं लिखना है, मतलब आप बिल्कुल भी गलती वर्तनी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, आपको मात्राओं का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है।
अब क्या है, जैसे आपने पूरा निबंध लिख दिया, वहां पर क्या है, आप बीच बीच में अच्छे कोड डाल सकते हैं, ठीक है। आप वहां पे कोड डालिए, कोड डालने के बाद क्या करेंगे, आपका जो बहुत, जैसे आपने टॉपिक लिखा, उस टॉपिक में क्या है, आप अच्छे से निबंध को समझेंगे, और निबंध को लिखने के बाद आप जो आपके जो अच्छे वाक्य होंगे, जो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ चेक करने वालों को ये लाइन पढ़नी चाहिए, तो आपको उसमें अंडरलाइन भी कर सकते हैं। मतलब पूरे निबंध में आप अच्छी अच्छी बातों का या अच्छे कोट्स को आप अंडरलाइन कर दीजिए, और जिससे क्या है, आपको या निबंध को चेक करने वालों को ये समझ में आएगा कि हाँ ये निबंध है, इसमें ये मूल बातें हैं, या फिर अच्छी विचारधारा यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। तो ठीक है, यहाँ पर जो पेपर सिक्स में आपको जो दो निबंध दिए गए हैं, वो इन निम्न आधारों पर आपको निबंध लिखना है। अगर इन सभी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो क्या होगा, आप एक अच्छा निबंध लिख पाएंगे, और इस तरीके से आपको क्या है, इस पेपर में भी अच्छा एक स्कोर करने का माध्यम मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे के लेक्चर में हम सारे प्रारूप को देखेंगे कि आपको किस तरीके से प्रारूप बनाना है, उसका क्या क्लेवर होना चाहिए, किस तरीके से वहाँ पे चीज़ें रखनी है, और उसके बाद हम क्या है, हर एक प्रारूप का एक एग्जाम्पल लेंगे, और उस एग्जाम्पल के तहत आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको वो लेटर लिखना है, या किस तरीके से वो पत्र आपको लिखना है। यहाँ पे सारे एक एक करके आपको पत्र बताएंगे, यहाँ पे आपको किस तरीके से आगे काम करना है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस इन सभी मूल बातों का ध्यान रखिएगा कोई भी निबंध लिखते समय, और फिर निबंध को लिख के उस निबंध को जांचिए, किसी और को पढ़ाइए या दिखाइए, या चेक करवाइए कि आपका वो जो दृष्टिकोण है वो किस तरीके से आपको वहाँ पर आपने वो निबंध लिखा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।